ये कनाडा पुलिस ने आपके ऊपर इनाम रखा हुआ है और आपको 25 वांटेड जो गैंगस्टर हैं, माफिया हैं, उनकी लिस्ट में डाला हुआ है। क्यों डाला है? ऐसा क्यों किया कनाडा पुलिस ने? देखो अरुण जी, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता जी। मैं तो सिर्फ यही चीज कहूंगा, मैं 17-18 में रहा जरूर था जी कनाडा में, पर मैंने कभी वहां पे कोई क्राइम नहीं करा जी, और मुझे नहीं पता ये वहां पे क्यों कर रहे हैं। ना मैं वहां पे हूँ 2-3 सालों से, और ना ही मैंने वहां रह के कोई इलीगल हरकत करी है जी। बिल्कुल आम बंदे की तरह जिंदगी व्यतीत करी है वहां पे, जितने दिन भी रहे हूँ अपनी मेहनत करी है जी, अपना जो भी जैसे एक आम बंदा वहां पे रहता है, जो इमिग्रेंट वैसे ही रहा हूँ जी, कभी कोई क्राइम नहीं करे। पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं जी। सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था पंजाब में, और लॉरेंस बिश्नोई ने भी कहा कि आपका हाथ है, और पंजाब पुलिस ने भी कहा। तो आप क्या सिद्धू मूसेवाला का मर्डर आपने ही करवाया? छिपाएंगे वो चीज करते नहीं जी, जो छिपानी पड़े और जो करी है जी उसमें वो बताने में कोई हर्ज नहीं है जी। बहुत सोच समझ के करी है जी, जो हमने हमें नहीं लगता कि हमने नजायज काम करे हैं, जिसको हम छुपाए उसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी जी हम देंगे, पर जो जरूरी था हमने वो कर दिया जी। क्यों मरवाया सिद्धू मूसेवाले का मर्डर? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में था, पूरा आया कि आप ही ने शूटर अरेंज किए, आप ही ने सारी चीजें की, तो क्यों मर्डर करवाया सिद्धू मूसेवाले का? सिंगर का मर्डर क्यों, किस लिए करवाया? ठीक है जी, बहुत बड़ा भाईचारा है जी, बहुत सालों की कुर्बानी के बाद, बहुत भाइयों की कुर्बानियों के बाद इतना बड़ा भाईचारा जुड़े है जी। सारे भाईचारा ने करे है, जो करे है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, काला जी खेड़ी ग्रुप, ठीक है जी, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ करने वाला, सारे भाइयों ने रल मिल के करे है जी काम। और इस काम के कोई कोई एक आध रीजन हो तो मैं अरविंद जी आपको बताऊँ, इसके मल्टीपल रीजन है जी। ये एक हंकारा हुआ, बिगड़ा हुआ, जिसके पास पैसा जरूरत से ज्यादा था, जिसके पास पॉलिटिकल और पुलिस की पावर जरूरत से ज्यादा, जो मिस यूज कर रहा था, उसको सब सिखाना जरूरी था जी, उसको सब सिखा दिया, बस इतनी सी बात है जी। उसने हमारे कोई पर्सनल ऐसे नुकसान करे हैं, कुछ ऐसी गलतियां कर बैठा वो ताकत के नशे में, जो माफी के लायक नहीं थी जी, और जो हमें सजा देनी थी हमने दे दी। ऐसा क्या हुआ? कुछ लोग ये भी बताते हैं कि विक्की मुंडू खेड़ा का मर्डर करवाने में रोल था, गुरलार बरार जो आपके भाई हैं उनका भी मर्डर हुआ। आखिर क्या वजह थी कि इतनी बेरहमी से कई शूटर्स आते हैं विदेशी पिस्टल से सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कर दिया गया? क्योंकि आप ही का नाम आया, और सभी जो जिस जिसका नाम आया उसने पुलिस के सामने दिया, सिर्फ गोल्डी बराड़ की बात सामने नहीं आई कि गोल्डी बराड़ ने कनाडा में बैठकर सिद्धू मूसेवाले का, एक जो उभरता हुआ सिंगर था जिसके बहुत से चाहने वाले थे, उसका मर्डर क्यों कराया? क्या रीजन? मल्टीपल रीजन आपने बताया, क्या एक ऐसा रीजन था कि आप लोगों को लगा कि बस हत्या ही करवा देनी है? तो इतने हैं, पर्सनल रीजंस इतने हैं कि मगर अगर आपको डिटेल में बताने लग जाऊं तो घंटा 1.5 घंटा तक भी लग जाएगा जी। मैं इतना डीपली नहीं जाऊंगा, मैं आपको एक दो मोटी मोटी सी बातें बता देता हूँ जी, जो मान लो कि प्रूव भी हो सकती हैं, अगर पुलिस प्रूव करना चाहे या आपकी पर्सनल तौर पे प्रूव करना चाहे उन चीजों को, तो अगर इन्वेस्टिगेट करोगे तो वो चीजें छुपा नहीं सकता, क्योंकि उन चीजों में जो दूसरे बंदे इन्वॉल्व थे वो तो आज भी जिंदा है जी। ठीक है, सिद्धू ही मरे हैं, दूसरे बंदे जो उसकी मदद कर रहे थे वो तो आज भी जिंदा है ना जी, उनका उनकी अभी बारी आई नहीं है। अगर कोई पुलिस आना चाहे या आप भी जाओ इन्वेस्टिगेट करना, मैं आपको बताता हूँ एक दो चीजें, आप जाके इन्वेस्टिगेट करो, अगर वो झूठी निकले तो बता देना जी। जो सीधी सीधी कनेक्ट होती है हमारे दुश्मनों के साथ, जिनके बाई नेम है हमारे भाइयों के मर्डर में जी। ठीक है, हमने पहले मैंने कई पत्रकारों को भी फोन लगाया जी, विक्की मुंडू खेड़ा भाई के मर्डर के बाद रितेश लक्षी है एक पत्रकार, उसको फोन लगाया था मैंने सिद्धू के मरने से पहले कि जी इसका श्रेयाम नाम आ रहा है, श्रेयाम इसकी इन्वॉल्वमेंट आ रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, कांग्रेस गवर्नमेंट है, इसकी सीएम के साथ उठनी बैठनी है, इसकी डीजीपी के लड़के के साथ उठनी बैठनी है, ये डीजीपी के लड़के की मस्टैंग में घूमता है दारू पी के हर टाइम, इसको किसने पूछना चाहिए है? हमने जोर लगाया अपना मीडिया को भी, क्या हम जितनी अपनी अप्रोच थी कि कोई तो पूछो यार श्रेयाम इसका नाम।
हमारे एवरेज श्रेयाम घूम रहे हैं अफसरों के साथ, है किसी ने नहीं पूछा जी, ठीक है। और विक्की मिट्टू खेड़े का भाई अजय मिट्टू खेड़ा है, वो रोक कर रहा है जी मीडिया में जा जाके कि मेरे भाई को मरवाया है, इस नचार ने मरवाया है, इसको कोई पूछता क्यों नहीं है, किसी ने नहीं पूछा जी इसको। जो देश की जांच एजेंसी है भारत की तरफ से, पंजाब पुलिस ने आपके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा दिया है इंटरपोल की जरिए। आप पर आरोप है कि आप जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जैसे हरविंदर सिंह रिंदा, उसके साथ मिलकर पंजाब में टारगेट किलिंग करा रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं। आप पर UAPA के तहत मामला दर्ज है, FIR दर्ज की है NIA ने। पर बात ये है अरविंद जी, मैं नहीं सपोर्ट करता जी खालिस्तान को, ठीक है। मैं स्पष्ट शब्दों में ये बात कहता हूँ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ठीक है। कुछ बंदे हैं जो इस चीज को, जिनकी आइडियोलॉजी है ऐसी खालिस्तान के रिलेटेड, उनके साथ कोई मेरी पर्सनल रिलेशन किसी पुराने टाइम में रहे हैं जी, या किसी भी व्यक्तिगत तौर पर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है जी कि मैं उनकी आइडियोलॉजी के साथ सहमत हूँ जी। मैं तो सबसे बड़ी एग्जांपल यही कह देता हूँ जी, लॉरेंस भाई साहब हिंदू परिवार से हैं और वो पंजाब के निवासी हैं जी, अफोर में रहते हैं, उनका भी उतना ही हक है जी पंजाब का जितना हमारा सिखों का है, ठीक है जी। हम उनको कैसे कह देंगे जी पंजाब छोड़ के बाहर चले जाओ, खालिस्तान बनाना है, ठीक है। और दूसरी बात अरविंद जी, बात ये है ना, जब तक जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं कभी भी ऐसे लगा, मैं अपनी सारी उम्र पंजाब में रहा हूँ जी, ठीक है, सारा हमारे रिश्तेदारियां सारा खानदान हमारा पंजाब में रह रहे हैं, हमें नहीं लगा जी हम गुलामी में रह रहे हैं जहाँ कोई यहाँ जरूरत है अलग देश बनाने की जी। जितना मान सम्मान सिखों को चाहिए उतना मिलता है जी पंजाब में, जिन्होंने जेनोसाइड्स करे हैं, ठीक है, जिन्होंने लोगों को मारा है धर्म के नाम पे, उनके हम खिलाफ है जी। किसी भी धर्म के साथ कोई अन्याय हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो सिख धर्म हो, हम उसके खिलाफ है, बिल्कुल है। उसको मरवाया भी था हमने, प्रेमी को जिसने गुरु ग्रंथ साहब की बेहद भी करी थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम खालिस्तान की सपोर्ट में है जी। तो क्या आप ISI के साथ, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, ISI के साथ आपकी सांठगांठ है क्या? आप ISI के इशारे पर काम कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं भाई साहब, ये अफवाहें बनाने को तो कुछ भी बनाते रहे, क्या हर तरह के बंदे हमें अप्रोच करते हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर क्या करना है और क्या नहीं करना है वो हमें पता है जी, ठीक है। हमें हम जो चीज करने की जरूरत नहीं है जी, हम वो नहीं करेंगे, ये मतलब नहीं है, अगर हम कर सकते हैं तो करेंगे जी। और क्या उन्होंने नजायज इतने लोग मरवाए हैं जी, इतने बम धमाके करवा दिए इतने देशों में, उनका तो हम कभी भी नहीं मदद करेंगे जी, हम दुश्मन है उनके, दोस्त नहीं है, ठीक है। कभी हमारा अगर नाम आएगा तो उनको मारने वाले बंदों को हम बंदों में आएगा। ये दाऊद के साथ भी हमारा, दाऊद इब्राहिम के साथ नाम जोड़ रहे हैं कई मीडिया वाले की हमारी उनसे हो रही है या कुछ हो, उन्होंने अप्रोच करी होगी कई बार, पर हमने नहीं कभी उनसे कोई भी कनेक्ट करा, ना हम करेंगे, ना ही मारा उनके दोस्तों के साथ कभी नाम आएगा। अगर कभी नाम आएगा तो उसको मारने वालों के साथ आएगा, दोस्तों में कभी नहीं आएगा जी। और जो भी बंदा ISI इन्होंने कराए सब बंद धमाकी है जी, को करने वाले काम तो नहीं करे ना, तो कभी भी इनके साथ हमारा नाम नहीं आएगा जी। वैसे अप्रोच करने को दुनिया अप्रोच करती है जी, पर वो हमारी मर्जी है ना, हमने किसके साथ क्या करना है और किसके साथ क्या नहीं करना। पहली बात, नजायज काम कभी भी करेंगे जी, जो मर्दों का सूखिया है, जिनके साथ हमारी दुश्मनी है वो है, ठीक है। दुनिया कहती है हमने सिद्धू को पब्लिसिटी के लिए मरवा दिया, अगर पब्लिसिटी के लिए मरवाना होता तो उसको ही मराते जो मतलब इतना अलर्ट रह रहे हैं या जिसको इतना थ्रेट है। ये बॉम्बे में भाई साहब सारे एक्टर प्रोड्यूसर अकेले अकेले जिम में जाते हैं गाड़ी ड्राइव करके, अगर हम बॉम्बे वाले बंदों को पंजाब ला सकते हैं तो उनसे नहीं काम करा लेते, बॉलीवुड में मार देते, किसी को पब्लिसिटी चाहिए होती, इतना छोटा दिमाग तो नहीं है ना कि पंजाब से बाहर नहीं निकल सकते। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप कानून को हाथ में ले लेंगे, आप तो और भी बहुत से तरीके थे, पुलिस के पास जा सकते थे, कोर्ट जा सकते थे, ये भी तो कर सकते थे। हमने जी सब कुछ करा है जो हम कर सकते थे, ठीक है जी। मैं 15 अगस्त 2017 को बाहर आ गया था जी इंडिया से, और 11 अक्टूबर 2020 को मेरे भाई की डेथ हुई है जी, उसका मर्डर हुआ है, ठीक है। तब तक कोई बंदा प्रूव करते कि मैंने किसी को फोन करके को गाली भी दी है, कभी कभी मैंने किसी से फरौती मांगी हो कुछ भी, मेरे को तब लॉरेंस भाई ने कभी जानते नहीं थे, हम बचपन के दोस्त हैं जी, मैं भी तो तब बाहर बैठ के फरौतियों के लिए कॉल कर ही सकता था ना, हम मीडिया के पास भी गए, रितेश लक्की को पूछ लेना
ना मैंने उसको फोन करा था कि नहीं कि सिद्धू पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है कोई, ठीक है अगर ना हो तो बताना जी, ये उसके जिंदा होके की बात है। अभी हाल में दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक मर्डर हुआ टिल्लू ताजपुरिया का, सोशल मीडिया पर आपने क्लेम किया कि वो मर्डर आपके गैंग ने करवाया है। हमारे भाई है जी, कोई हमारे काम करने वाली बात थोड़ी है, वो हमारे भाई है अरविंद जी, जिन्होंने उसको टीलू को मारा ताजपुरिया को, गोगी भाई हमारा बड़ा भाई था जी, हमें सारे भाइयों को उसकी मौत का दुख था, ठीक है हम सारे भाई बदला लेना चाहते थे, उन भाइयों का मौका लग गया जी, उन्होंने चौका मार दिया, ठीक है ना सारे भाई, या कोई मैं कहूँ मैंने जिम्मेवारी ली है मैंने वो काम करा दिया, ऐसा कुछ नहीं है जी, हम सारे भाई हैं, सारों का बराबर रोल होता है जी हर चीज में, अच्छे में भी और माड़ी में भी, उनको मौका मिला जी, उन्होंने सारे भाइयों की जय जयकार करा दी, जो गोगी भाई का बदला था वो पूरा हो गया जी। आपने मुंबई की बात की तो मुंबई में सलमान खान की बात आई, क्योंकि अब लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है, तो पहले संपत नेहरा गया, उसके बाद भी जो जानकारी मिली है कि आपने भेजा था सलमान खान पर हमले के लिए मुंबई में वहां फार्म हाउस की रेकी की, कितनी बार, कम से कम 3 बार शायद आपने भेजा सलमान खान के लिए, क्या बिल्कुल सही है? मारेंगे जी उसको, मारेंगे जरूर मारेंगे, उसने बिश्नोई समाज की बेअदबी करी है, काले रंग का शिकार करे है, वो पवित्र मानते हैं काले रंग को, ठीक है जैसे हिंदू गीता को पवित्र मानते हैं जी, सिख गुरु ग्रंथ साहब को पवित्र मानते हैं जी, वो मानते हैं रंग को, उसको मारे हैं उन्होंने उनके घर पे जाके जोधपुर में, तो हम मारेंगे जी उसको, जरूर मारेंगे उसको, माफी मांगने को क्या था भाई साहब ने, उसने नहीं मांगी, बस कोई नहीं जी कभी समझाएगा उसका जरूर, अगर बाबे ने दया करी तो उसका अहंकार तोड़ेंगे जी, जरूर तोड़ेंगे। क्या 2022-21 में आपने मुंबई सलमान खान पर हमले के लिए लड़के भेजे थे? दिल्ली पुलिस ने तो खुलासा किया है। तो पहले भी कह रहे हैं जी कोई सलमान खान की अकेले की बात नहीं है, जो भी हमारे दुश्मन है हम चिल्ला रहे हैं ना रहे, अगर हम ना रहे तो कल को हमारे भाई रहेंगे, वो करते रहेंगे, जब तक हम लगे हुए हैं, जो भी हमारे दुश्मन है हम उनको मारेंगे, वो हमारा टारगेट है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कितनी बार भेजे थे ये आप छोड़ ही दो बात भाई साहब, वो तो हम कोशिश करते रहते हैं, कभी बन जाएगा तो आपको लग जाएगा पता। एनआईए का कहना है कि आप लोग ड्रोन से हथियार पाकिस्तान से मंगाते हैं, लोगों को धमकी देते हैं, ड्रग्स का धंधा करते हैं, नए नए लड़कों को रिक्रूट कर रहे हैं, पूरे इंडिया में आप लोग लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार वो पूरा अब कब्जा चाहते हैं जुर्म की दुनिया में। वो तो अरविंद जी आप तो जैसे भी उस चीज को देखते हो वो एंगल है जी, हो सकता है मेरे को देखने में वो 6 लग रहा हो, आपको देखने में वो 9 लग रहा हो, आप दोनों ही सही है जी अपनी जगह पे, पर हमारा तो सीधा सीधा हमारी पर्सनल लड़ाई है जी, ठीक है जिसमें बड़े बहुत छोटे हर तरह के बंदे रमौल में है, वो हमारे टारगेट पे है, उनको मारने के लिए कुछ भी करना पड़ेगी, ठीक है लड़ाई लड़ने के लिए पैसे भी चाहिए, हथियार भी चाहिए, उसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे जी, ठीक है अपनी जान दे के भी अगर भाइयों का बदला ले सके तो हम समझेंगे हमारी जान किसी काम आ गई जी, कभी ढंग का काम नहीं करा जी, इस चीज की हम आपको आश्वासन दे सकते हैं, श्योरिटी दे सकते हैं, कभी ढंग का काम नहीं करा, कभी किसी गरीब को या किसी सीधे साधे बंदे को तंग नहीं करा जी, उनको ही तंग करा है जिन्होंने सारी उम्र दुनिया तंग करी है, सीधी सी बात है। मैं एक सवाल पूछूंगा आप बिल्कुल बताएंगे नहीं, लेकिन आप कनाडा छोड़कर चले गए और ये जानकारी मिल रही है कि आप अमेरिका में, तो अभी इस वक्त कहाँ हैं, क्योंकि जो भारत की सरकार है, भारत की पुलिस है और कनाडा की पुलिस है, दोनों आपको खोज रही है। आपको पता ही बात नहीं हो पूछने को जी, चलिए मेरा एक आखिरी सवाल है और मैं आपको बल्कि सलाह भी दूंगा कि देखिए आज तक इंडिया टुडे आपसे अपील कर रहा है कि अब इस तरह का क्राइम वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, किसी की हत्या कराना, उसके लिए कानून है, पुलिस है, आप उसकी मदद ले सकते हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार गैंग जिस तरह से पंजाब दिल्ली इस तरह से आप लोग क्राइम कर रहे हैं, एजेंसीज आपको खोज रही हैं, तो कोशिश करिए कि आप एजेंसीज के सामने आइए और जो आपके साथ हुआ आप वो बताइए, अपना इंसाफ मांगिए उस तरीके से।